आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। भारत सरकार की पहल पर रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में अकेले सफर करने वाली उन महिलाओं के लिए सुरक्षा से जुड़ी एक विशेष व्यवस्था की है। मेरी सहेली अभियान के तहत देश के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक अकेली महिला को ट्रेनों में यात्रा के दौरान सुरक्षा व अन्य सुविधाओं से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर महत्वपूर्ण स्टेशनों में अकेले सफर करने वाली महिला यात्री के सीट तक पहुंचकर महिला आरपीएफ उनसे बातचीत करते हुए उनको यात्रा के दौरान खुद को सुरक्षित रखने से जुड़ी एहतियात बरतने की सलाह देती हैं। साथ ही साथ किसी भी स्थिति में रेलवे द्वारा जारी किए गए निर्दिष्ट नंबर पर सूचना देने की सलाह दी गई है। मेरी सहेली अभियान को लेकर कटिहार रेल मंडल बेहतर काम कर रहा है। अब तो ट्रेनों में अकेले सफर करने वाली महिला यात्री भी इस अभियान की तारीफ कर रही हैं। कटिहार रेल जंक्शन पर रेलवे के आरपीएफ अधिकारी भी इस अभियान की सफलता की बखान कर रहे हैं। अच्छा, तो यात्रा के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप 139 में कॉल करके मदद मांग सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसा कोई एक्टिविटी आपको देखे जो आपको सही ना लगे या वस्तु या कुछ भी बच्चे आपको नजर में आए तो आप 139 में मदद मांग सकते हैं। बाबा, आपके साथ कोई जेंट्स है? यहाँ से आइए। चलिए आगे, चलिए आगे। मैडम, आपके साथ कोई जेंट्स है? एक्सक्यूज मी मैम, आपके साथ कोई जेंट्स है? अकेले लेडीज है? ए, अपने लेडीज के लिए है ना? अच्छा है, ये पूछना चाहिए वो लोग को भी, क्योंकि हम भी एक लेडीज है, हम यात्रा दूर जाते हैं तो वो लोग के हिसाब से हम लोग को हेल्प भी हो जाती है। अच्छा है ना? हाँ जी, थैंक यू। क्या नाम है? मेरा मीना। मेरी सहेली एक ऐप सेंट्रलाइज है, ये पूरे भारत में इस ऐप को लागू किया गया है। इसमें मेरी सहेली टीम के तहत हमारे यहाँ कटिहार मंडल में चार जगहों पर मेरी सहेली की टीम गठित है, जिसके पास टैब दिया गया है, वो टैब से रहती लैस रहती है, टीम बनी हुई है, उसमें महिला ऑफिसर्स उसके इंचार्ज होते हैं और उसमें गाड़ियों का अलाटमेंट होता है हमारे जोनल मुख्यालय से, और सभी जो भी पार्टी जो भी हमारे इंचार्जेज हैं उनके पास SMS पर मोबाइल पर उनका पैसेंजर डिटेल आ जाता है कि जो महिलाएं अकेली चल रही हैं ट्रेनों में, लंबी दूरी की ट्रेनों में जो महिलाएं अकेले ट्रैवल कर रही हैं, उनकी देखरेख के लिए ये गठित की गई है और हर जगह चेक कराते हैं हम लोग। हमारी कोशिश होती है कि जो भी गाड़ियां NF से चलें जा रही है या बाहर से आ रही है, जो हमारे ऐप पर पहुँच रहा है किसे चेक करनी अकेली है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेक करें उसी टाइम पर जिस समय गाड़ी खड़ी होती है, उस समय चेक करें, उसको गाड़ियों पर चेक करें। इससे पता लगता है कि महिला के साथ कोई असुविधा तो नहीं है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और जब किसी अकेली महिला के पास मेरी सहेली की टीम जाती है तो उसे सुरक्षा महसूस होता है, उसे लगता है कि मेरी देखरेख हो रही है, और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। डेस्टिनेशनों पर जब जाते हैं तो उस ऐप में ऐसा प्रोविज़न है, उसमें वो फीडबैक देते हैं, एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, या ऐसा अगर लगता है तो कोई सजेशन भी देते हैं, डालते हैं और उस पर हम लोग अमल करते हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।